सो गाइस बात करते हैं यहाँ पर चार बेस और यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार डुअल टॉप लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें कितने वाट का स्पीकर है और कौन से ब्रांड का स्पीकर है ये आपको बताने वाला हूँ। एम्पलीफायर कौन सा है, जनरेटर कितने के वी का है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा यहाँ पर जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ था, डुअल इंजन के साथ था। तो यहाँ पर बात करेंगे चार बेस के ऊपर, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल बेस है, इसमें डब्लू बिन हम इसको बोलते हैं या फिर आप रिवर्स बेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चार रिवर्स बेस लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर 1800 वाट का स्पीकर लगाया गया है, जो कि एक कैबिनेट में 1800 वाट का RCF का स्पीकर लगाया गया है। और यहाँ पर चार डुअल टॉप लगा हुआ है, जो कि 400 वाट का स्पीकर प्लस 400 वाट का प्लस 110 वाट का HF का यूज़ किया गया है। एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एम्पलीफायर आप देख पा रहे होंगे दो एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक एम्पलीफायर लगाया गया है, जो कि इसमें नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा एम्पलीफायर का यूज़ किया गया है। सो गाइस यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर 5000 वाट का एम्पलीफायर लगभग आप मान सकते हो, 5000 वाट के आसपास 5 या फिर 6000 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसमें थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसमें कम से कम 7000 से 8000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर साउंड मिलेगा। और वहीं बात करेंगे चार टॉप के लिए एम्पलीफायर, तो यहाँ पर चार टॉप के लिए एम्पलीफायर आप देखेंगे RX 4000 MK2 लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर दो टॉप एक चैनल में चलाया गया है और दो टॉप दूसरे चैनल में चलाया गया है। क्रॉसओवर भी आप देख पा रहे होंगे एक क्रॉसओवर लगा हुआ है, मिक्सर भी लगा होगा, जाहिर सी बात है डीजे चलाने के लिए मिक्सर भी लगेगा। जनरेटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 20 KVA का जनरेटर का यूज़ किया गया है, जो कि डुअल इंजन के साथ है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। और बात करेंगे तो कहाँ का एड्रेस है, डीजे कहाँ का है, तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो कहाँ का एड्रेस है ये आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।